हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे विनुधारिता पाठ चार। अब हम पाठ चार में, कल हमने डिस्कस कर लिया था, समझ लिया था चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, ध्रुवीय पदार्थ, अध्रुवीय पदार्थ और विद्युतधारिता का भी कुछ मैंने एग्जांपल समझाने की कोशिश की थी। अब हम विद्युतधारिता जो है उसमें हम समझते हैं कि धारिता क्या है, चालक की धारिता। तो चालक की जो धारिता है उसको समझते हैं बेटा ध्यान से। चालक की धारिता नाम से पता चल रहा है, धारण करने की क्षमता। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। विद्युत धारिता में, चालक की धारिता या विद्युत धारिता में जो धारिता है, धारिता का मतलब समझिए, धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता। इसका मतलब किसको धारण कर सकता है, ये पार्ट है विद्युत का, विद्युत का पार्ट है। तो इसका मतलब, विद्युत का मतलब हो गया आवेश। इसका मतलब आवेश को धारण करने की जो क्षमता है, आवेश को धारण करने की, आवेश को धारण करने की क्षमता को, आवेश को धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, और किस में होता है ये, मैंने कहा कि आवेश जो है चालकों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो चालक में लिख देंगे, चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को हम बोलते हैं विद्युत धारिता। कहीं पर रटने की कोई जरूरत नहीं परिभाषा को, सिंपल सी परिभाषा यहाँ से बनी। क्या बनी भाई? चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को ही हम कहते हैं विद्युत धारिता या चालक की धारिता। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ समझ लेना ध्यान से कि धारिता जो है आवेशों को धारण करने की क्षमता है। ठीक है, तो धारण करने की क्षमता की भी एक सीमा होती है। इस बात को ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए पानी को धारण करने की क्षमता, तो देखो पानी को धारण करने की क्षमता को समझते हैं। मान लीजिए कोई पानी का बकेट है, बाल्टी है, उसमें पानी है, पानी एक सीमा तक ही तो पानी आएगा उस पानी को बकेट में। उससे ज्यादा पानी भरेगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी नीचे गिरने लग जाएगा बाल्टी से। हर एक बाल्टी का, हम ये कह सकते हैं, देखो ध्यान से समझो, हर एक बाल्टी जो है उसके साइज पर निर्भर कर रहा है कि उसमें कितना पानी आएगा, उस बाल्टी में पानी को धारण करने की क्षमता कितनी है। उससे ज्यादा अगर पानी भरेंगे तो क्या होगा बेटा, वो पानी सारा नीचे गिर जाएगा। इस बात को ध्यान से समझो, वो पानी सारा कहाँ चला जाएगा, ओवरफ्लो के बाहर चला जाएगा। इसका मतलब इसमें अगर ये 5 लीटर की बाल्टी है तो 5 लीटर ही पानी आएगा, तो इसकी क्षमता कितनी है धारण करने की पानी को, 5 लीटर। उसी तरह से चालक जो होते हैं, अलग अलग चालकों में अलग अलग आवेशों को धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे अलग अलग पानी के जो बकेट है उनमें धारण करने की क्षमता पानी को अलग अलग है। 10 लीटर का है तो 10 आएगा, 5 लीटर का है तो 5 आएगा। पास समझ में आई? इसका मतलब आवेशों को जो धारण करने की क्षमता है वो चालक पर भी निर्भर कर रही है, चालक की प्रकृति कैसी है। ठीक है, जैसे बाल्टी का क्षेत्रफल कितना है। अच्छा, एक बात और समझते हैं यहाँ धारण करने की क्षमता से, तो आगे हम इसमें ये लिख सकते हैं, अगली लाइन में हम लिखे तो ये लिख सकते हैं कि किसी चालक को आवेश देने पर, किसी चालक को आवेश देने पर, किसी चालक को आवेश देने पर क्या होगा, उसके विभव में, उसके विभव के मान में वृद्धि होती है। ठीक है भाई, किसी चालक को आवेश देंगे तो उसके विभव के मान में भी वृद्धि होती है। वो हम धारिता की परिभाषा से लिखें तो हम लिख सकते हैं बड़ा क्यू ले लेते हैं। चलो बड़ा क्यू, माना किसी चालक को हमने कितना आवेश दिया, बड़ा क्यू आवेश दिया। ठीक है, बड़ा क्यू आवेश दिया और उसके विभव में परिवर्तन हुआ या वृद्धि हुई, बड़े विभव।
इसका मतलब आवेश देने पर विभव में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि आवेश जो है वो समानुपाती होता है किसके, विभव में। ठीक है, आवेश विभव के समानुपाती है। समानुपाती चिन्ह को भौतिक विज्ञान में जब भी हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, बराबर का जब भी चिन्ह लगाएंगे तो एक नेतांक लगाते हैं, ध्यान करो। तो यहाँ से क्यू बराबर सी वी, ठीक है, एक नेतांक ले लिया सी, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ जो सी है एक समानुपाती स्थिरांक है। क्या है बेटा ये, समानुपाती स्थिरांक या नेतांक, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टेंट बोलते हो, और यही कहलाती है पदार्थ की धारिता या चालन की धारिता। पदार्थ की या चालन की धारिता, ठीक है। इसका मतलब हो गया सी का फॉर्मूला यहां से बनाए, क्या बनेगा भाई, सुंदर सा फॉर्मूला बनेगा आपके जैसा। देखो क्या बनने वाला है, यहाँ से सी ये वी इधर आएगा तो आ जाएगा आपके पास क्यू बटे वी, आपके जैसा सुंदर सा फॉर्मूला आया धारिता का। क्या आया भाई, सी बराबर क्यू बटे वी, ठीक। अच्छा, सूत्र के हिसाब से परिभाषा देखें तो ये तो जनरल परिभाषा हो गई, नाम से देखा हमने। सूत्र से परिभाषा देखें तो किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। सूत्र से रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं, कोई परिभाषा आपको रटना नहीं समझना है। इससे परिभाषा बनाने का बन जाएगी, मैं इधर लिख देता हूँ उसको हटा के। देखो इसकी परिभाषा बहुत ही सुंदर परिभाषा आपके जैसी बनने वाली है इसमें। कई लोग सोच रहे हैं कि सर परिभाषा तो हम वैसे भी नहीं रटते, समझते ही है ना, समझता है साइंस में वही बच्चा आगे जाता है, रखना नहीं है। ठीक है, तो सी की परिभाषा बनाए तो भाई आवेश किसी चालक को देते हैं तो उसके विभव में जो जितना विभव उसको परिवर्तित होता है, विभव में जितनी वृद्धि होती है उसका अनुपात ही क्या कहलाता है, धारिता। तो हम लिख सकते हैं भाई परिभाषा एक और बन गई यहाँ से, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव, और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को, विभव में वृद्धि होती है भाई चालक को आवेश देते हैं तो विभव में वृद्धि के अनुपात को, के अनुपात को चालक की, चालक की धारिता कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, इसी सूत्र से मात्रक बनाएंगे तो मात्रक देखो भाई, मात्रक एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में मात्रक 11वीं में तीन पद्धतियां पढ़ी, उसमें मैंने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट है एमकेएस, जितनी भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो सब कौन सी पद्धति में करते हैं, एमकेएस पद्धति में मात्रक आ जाएगा धारिता का। तो धारिता का मात्रक यहाँ से क्या आएगा बेटा, ध्यान से बताओ, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलम, अरे आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक कूलम है जी, और विभव का मात्रक वोल्ट। तो क्या है आपके पास, कूलम पर वोल्ट, कूलम को हम लिखते हैं बड़े सी से, वोल्ट को लिखते हैं बड़े वी से, ठीक, कूलम पर वोल्ट। साइंटिस्ट का नाम है कूलम, तो मैंने कहा था साइंटिस्ट के जितने भी नाम होते हैं उनका पहला लेटर बड़ा आता है तो इसलिए कूलम पर वोल्ट है ना। तो आप इसको एक एक लाइन में लिखे तो हम लिख सकते हैं कूलम इनटू वोल्ट इनवर्स, और ऐसा ही पद्धति में मात्रक देखे तो ऐसा ही एमकेएस पद्धति का ही विस्तारित रूप है, ऐसा ही पद्धति में मात्रक। मैंने कहा था 11वीं में हमने पढ़ा है कि ऐसा ही पद्धति एमकेएस पद्धति का क्या है, विस्तारित रूप है। तो भाई पूरे वर्ल्ड में जो धारिता का मात्रक है वो उपयोग में लिया जाता है फैरेड, क्या उपयोग में लिया जाता है फैरेड, फैरेड को हम दर्शाते हैं बड़े अक्षर से, ठीक है। एक होता है फैराडे 11वीं में, सॉरी पहले पार्ट में फैराडे को पूरा लिखते हैं, ठीक है ना, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम, ध्यान है ना। तो ये है यहाँ पे फैरेड, वहां था फैराडे, तो ये फैरेड है, फैरेड किसको बोलते हैं, कूलम पर वोल्ट को। तो मतलब ये हो गया कि फैरेड जो है वो है
सेंचुरी में इसको बोल दिया फेरड, ठीक है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई भाई, फेरड जो मात्रक है उसको चेक करते हैं, एक फेरड की अगर अपन परिभाषा बनाए तो क्या बनेगी, इसका मतलब सी का मान भी एक ले ले, बी का मान भी एक ले ले, एक में एक का भाग देंगे तो एक फेरड आएगा। एक फेरड की परिभाषा देखो कितनी सुंदर सी बन के आती है, बार बार पूछी भी जाती है बोर्ड में, एक फेरड की परिभाषा, एक फेरड, एक फेरड सूत्र में रखते हैं तो किसके बराबर होता है, सूत्र में रखेंगे एक गुलाम, एक गुलाम अपॉन एक वोल्ट, ठीक है। अच्छा अब मैंने फिर बताया कि एक फेरड की परिभाषा बनाते हैं, फिर रखना नहीं है, समझना है एक फेरड की परिभाषा क्या बनी, सोच के देखो। इसका मतलब ये हो गया यहां से कि किसी भी कोई चालक है, उस चालक को अगर एक कूलम आवेश देते हैं और उस चालक के अंदर विभव में कितनी वृद्धि होती है, एक वोल्ट। किसी चालक को अगर एक कूलम आवेश देते हैं और उसके विभव में कितनी वृद्धि होती है, एक वोल्ट की, तो इसका मतलब उस चालक पर विद्युत धारिता कितनी उत्पन्न होगी, एक फेरड। क्लियर है, इसका मतलब एक फेरड की परिभाषा, सूत्र से चल रहा है सब कुछ, सब कुछ सूत्र के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो भाई यहाँ से आ जाएगा एक फेरड की परिभाषा, फटाफट फटाफट बनाते हैं भाई एक फेरड की परिभाषा, आप खुद भी बना सकते हो, देखो बनाओ थोड़ी देर के लिए, अरे साथ ही साथ बनाओ। हाँ जी, किसी चालक पदार्थ को एक गुलाम आवेश देने पर उसके विभव में एक वोल्ट की वृद्धि होती हो, एक वोल्ट की वृद्धि होती है, उस चालक की धारिता एक फेरड कहलाती है। बताओ रटा क्या, रटने की कहीं जरूरत नहीं है, समझने की है, सिंपल सी, ठीक है। तो किसी चालक को या कोई चालक पदार्थ है उसको एक कूलम आवेश देते हैं तो उसके विभव में एक वोल्ट की अगर वृद्धि होती है तो ऐसा जो चालक है उसकी धारिता कितनी रहेगी, एक फेरड, ठीक है। आगे चलते हैं, मात्रक बना लेते हैं इसका। देखो मात्रक बना लिया, विमा बनाते हैं, मात्रक बना लिया सर, विमा बनाते हैं, विमा बनाएंगे तो देखो ध्यान से, विमा पूछी जाती है, एक विमा जरूर पूछी जाएगी किसी ना किसी की। विमा बनाते हैं तो वापस धारिता के सूत्र पे आते हैं, धारिता का सूत्र क्या था सी बराबर भूल गए सी बराबर क्यू बटे पी, अरे ध्यान रखो भाई, है ना, सी बराबर क्यू बटे पी। अच्छा बीमा बनाते हैं इस फॉर्मूले से, तो आवेश की बीमा पढ़ ली हमने पहले पार्ट में, आवेश की बीमा होती है, बताओ जल्दी आवेश की बीमा नहीं, आवेश की बीमा A1 T1, अब ध्यान रखना, अब नहीं बोलना, ठीक है। विभव की बीमा बनाएंगे, दोनों के अलग अलग बना रहे फिर अपॉन कर दे, ठीक है। विभव की बीमा तो विभव का सूत्र याद होना चाहिए, विभव का सूत्र क्या था, अभी पढ़ा है अपने तीसरा पार्ट, विभव था कार्य बटे आवेश, क्या था भाई, कार्य बटे आवेश। और कार्य की बीमा क्या है, कार्य की बीमा मैंने कहा था बल और कार्य ऐसे है जिनकी बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आती है, कार्य की बीमा M1 L2 T-2 और बटे आवेश A1 T1, ठीक है। हाँ जी हिसाब करो इसका, तो आएगा M1, ठीक है, L2, ये T-2 और T-1, और नीचे से कोई भी चीज ऊपर जाती है और अगर घात लगी हुई है तो प्लस की घात माइनस हो जाती है और माइनस की प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से T-3, और
यहाँ रख देते हैं तो धारिता की बीमा आ जाएगी, धारिता की बीमा यहाँ रख देता हूँ मैं, तो भाई आवेश की बीमा A1T1 ठीक है जी, अपॉन विभव की बीमा ये रही, विभव की बीमा M1 L2 E-3 A-1। हिसाब करो, और हिसाब कैसे करेंगे, बढ़िया वाला हिसाब, बढ़िया वाला हिसाब ध्यान रखना, कितनी चीज लेके गए, कितने रुपए आपने दिए, कितने बचे वो वापस देने हैं या वापस लेने हैं, वही बढ़िया वाला हिसाब। इसमें भी यही करना है कि M कितने हैं, L कितने हैं, T कितने हैं, A कितने, चेक कर लेते हैं। अच्छा M ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, M-1, L ऊपर जाएगा L-2, T माइनस का 3 ऊपर जाएगा प्लस का 3, और एक पहले से बैठा है तो जाएगा प्लस का 4, A-1 ऊपर जाएगा तो माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का पहले से बैठा है A2। तो भाई बीमा बन गई आपके पास M-1 L-2 T^4 A^2, ठीक है। तो इसका मतलब विभव की धारिता की जो बीमा है, धारिता की बीमा आ जाती है M-1 L-2 T^4 A^2, ठीक है। आगे समझते हैं बेटा इसको, हमारे पास था क्यू समानुपाती V, और दसवीं में नवीं में आपने पढ़ा है V समानुपाती I, पढ़ा है क्या ओम के नियम में, ये ओम के नियम। इसका मतलब सेम यहाँ पर भी ये कंडीशन आ रही है। ग्राफ देखते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे V और I में आपने दसवीं में ग्राफ बनाया था विभव और धारा में, वैसे आवेश और विभव में ग्राफ बनाते हैं, तो देखो ग्राफ क्या बढ़ेगा, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ आवेश में और इसमें ग्राफ बनाएंगे, तो पहले एक तरफ आवेश ले लेते हैं, एक तरफ विभव। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ये मुख्य बिंदु, ये x अक्ष और ये आ गया आपका y अक्ष, ठीक है। x अक्ष पे हम ले लेते हैं विभव और y अक्ष पे ले लेते हैं आवेश, ठीक। तो यहाँ से जो हमारा ग्राफ आएगा, हम जानते हैं समानुपाती का ग्राफ एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं क्यू समानुपाती भी। अगर यहाँ से हम देखें कि ये मान लीजिए x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए ग्राफ है, तो इसका जो मान आएगा tan थीटा का, tan थीटा बराबर, तो हम एक यहाँ से समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। ये दूरी आपके पास x अक्ष पर विभव है, ये दूरी आपकी जो है यहाँ से देखें तो ये क्या है q, थीटा के सामने आप जानते हैं लंब भुजा, 90 के सामने आप जानते हैं 90 का कोण करण भुजा, ये करण भुजा, ये लंब भुजा और ये आपकी आधार भुजा। तो tan थीटा क्या होता है, लाल बटे कत्ता से बताओ, लंब बटे आधार, लंब क्या है आपके पास q और बटे आधार v, अरे बोलो नहीं क्या। इसका मतलब इस ग्राफ का tan थीटा कहलाता है ढाल, गणित में पढ़ा है आपने tan थीटा क्या कहलाता है, इस ग्राफ का ढाल, ढलान tan थीटा, और इसका मान कितना आया, इसका मान आया q बटे v, और q बटे v किसका मान है, c का, इसका मतलब c बराबर भी क्या है q बटे v। दोनों समीकरणों से देखें तो क्या लिख सकते हैं बेटा, इसका मतलब जो ग्राफ का ढाल है, ग्राफ का ढाल है जी, ग्राफ का ढाल क्या था tan थीटा, वो किसके बराबर है c के। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ग्राफ है वो विद्युत धारिता को व्यक्त करेगा ढाल, ठीक है ना। इस ग्राफ का जो ढाल है, ढलान है, वो किसको व्यक्त करेगा बेटा, वो व्यक्त करेगा विद्युत धारिता को, ठीक है। बात समझ में आई क्या, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा अब एक इम्पोर्टेंट बात और सुन लीजिए आप, कई बार वाइवा में एक सवाल आता है आपके पास जब प्रैक्टिकल चलते हैं कि भाई ये बताइए, तो हमारा जनरल जो पूरा जो बुक से हमने देखा पढ़ रहे हैं वो है, जनरल बात करते हैं वाइवा में क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारिता किस पर निर्भर करती है, ऐसा सवाल एग्जामिनर पूछता है बच्चे से, और वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज ये होता है क्यों, वो सूत्र को देखता है कि सी बराबर होता है क्यू बटे वी, उसने याद भी कर रखा है, और वो यहाँ से बोल यहाँ से सोचता है मनी मन में कि C समानुपाती Q और C व्युत्क्रमानुपाती V, इस सूत्र को देख के वो इस तरह से सोचता है,
इस तरह से सोचता है तो वो सोचता है कि आवेश बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, आवेश घटेगा तो धारिता घटेगी, क्योंकि समानुपाती है। और यहाँ से सोचता है कि विभव बढ़ेगा तो धारिता कम होगी, है जी। और अगर विभव का मान कम होता है धारिता का मान घटता है। और वो जवाब देता है कि जो विद्युत धारिता है वो निर्भर करती है आवेश पर और विभव पर, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। ना तो विद्युत धारिता आवेश पर निर्भर करेगी ना ही विभव पर, ठीक है ना। ये वही बात है जैसे ओम का नियम आता है, वी समानुपाती आई, दसवीं में पढ़ा है आपने साइंस में, और वी बराबर आप लिखते हो आई आर, तो आर बराबर आप लिखते हो वी बटे आई। तो वास्तविकता में जो आपके पास आर है, जो आपका प्रतिरोध है, ना तो वी पर निर्भर कर रहा है ना ही आई पर निर्भर कर रहा है। आर किस पे निर्भर कर रहा था, आपने दसवीं में देखा है, आर निर्भर कर रहा था प्रतिरोध, उसके विशिष्ट प्रतिरोध पे, कोई भी जो पदार्थ है उसके विशिष्ट प्रतिरोध पे, उसकी लंबाई पे और उसके क्षेत्रफल पे, ना कि उसके विभव पे और धारिता पे। अगला पाठ आने वाला है ओम का नियम, उसमें इस बात को समझेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि ये सूत्र और ये सूत्र एक जैसे से लग रहे हैं। जैसे प्रतिरोध जो है वो विभव और धारिता पे निर्भर नहीं करता है, वैसे ही याद रखना है, समझना है, आगे टॉपिक आएगा कि जो विद्युत धारिता है ना तो आवेश पर निर्भर करेगी ना ही विभव पर निर्भर करेगी। ये बात ध्यान से समझ लेना। तो फिर एक क्वेश्चन आया कि सर ये बताइए फिर निर्भर किस पे करेगी। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा आप पूछ रहे हो, तो बता देता हूँ किस पे निर्भर करेगी। इससे अगला टॉपिक है वैसे तो, लेकिन अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। वास्तविकता में जो धारिता है बेटा, वो धारिता निर्भर करेगी सी, यहाँ से फॉर्मूला आता है, आगे आएगा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एक इस तरह का फॉर्मूला आएगा। अगला ही टॉपिक है इससे अगला, जो विद्युत धारिता उसका फॉर्मूला वास्तविक ये है, जैसे आर का वास्तविक फॉर्मूला ये है। इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत धारिता आर जो है वो कोई भी चालक है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र, एक माध्यम पर निर्भर कर रहा है, और एक जो दूरी है आवेश की किसी दूसरे आवेश से उस दूरी पर निर्भर कर रहा है। यही बात है प्रकृति के हिसाब से अगर देखें तो, बोलो नहीं क्या। इसका मतलब विद्युत धारिता जो है क्यू और वी पे निर्भर नहीं करेगी, वास्तविकता में धारिता निर्भर करेगी उस चालक के क्षेत्रफल, ए क्या है क्षेत्रफल और एप्सिलॉन नॉट क्या है माध्यम, जो ये तो निर्वात की बात कर रहे होंगे, यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात है, तो माध्यम में लिखेंगे माध्यम क्या आ जाएगा एप्सिलॉन ना, इसका मतलब माध्यम पे निर्भर करेगा। और दूसरा जो भी आवेश है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, उसकी दूरी क्या है, उस दूरी पे निर्भर करेगा। इसकी चर्चा हम करेंगे कि विद्युत धारिता किन किन पे निर्भर कर रही है। तो बस इतना ध्यान रखना, भाई बहन पूछता है कि विद्युत धारिता किस पर निर्भर करती है, तो आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर जो आपका ओम का नियम है वो ये कहता है दसवीं वाला कि यहाँ पे प्रतिरोध जो है वी और आई पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत हो तो आप पूछना भाई कमेंट करके, ओके। आज के लिए इतना ही, ठीक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।